नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको रविवार स्पेशल बुलेटिन। बात करते हैं भवानी मंडी शहर से। नेत्रदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है और अब यह परंपरा का हिस्सा बनने लगा है। इसी क्रम में भवानी मंडी निवासी चंद्र प्रकाश नागर ने अपने पिता के बाद अपने ससुर का भी नेत्रदान करवा कर एक प्रेरणास्पद कार्य किया है। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी और शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि भवानी मंडी निवासी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संपर्क प्रमुख रामस्वरूप नागर का रविवार सुबह अपने बड़े भाई चंद्र प्रकाश नागर के ससुर आनंदीलाल नागर सीनियर ऑडिटर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निधन का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने भाई से नेत्रदान की चर्चा की और शिक्षित परिवार होने के कारण तुरंत परिवार ने नेत्रदान के लिए सहमति हो गई और सूचना देने पर सुबह 6:30 बजे शाइन इंडिया फाउंडेशन की टीम आई और बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के टेक्नीशियन ने आनंदीलाल नागर का नेत्रदान प्राप्त किया। रविवार को भारत विकास परिषद द्वारा भवानी मंडी में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुरा और सदगुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के सहयोग से नेत्र जाँच और शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसके माध्यम से 63 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि नंदुभाई आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित नेत्र जांच और शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ भारत माता और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया गया। कार्यक्रम में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के डॉक्टर अनिश शुक्ला और परिषद संरक्षक गोविंद भराड़िया, प्रांतीय नेत्र शिविर सह प्रभारी दिनेश गुप्ता, वहीं परिषद अध्यक्ष मनोज अग्रवाल मंचासीन रहे। शिविर में भारी तादाद में मरीजों की भीड़ उपस्थित थी, जिसमें अधिकांश मरीज दूर दराज के गांवों से आए। शिविर में 172 मरीजों की आंखों की जांच की, इसमें से 63 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया। वहीं मतदाता जागरूकता हेतु शपथ भी दिलाई। चौमेला कस्बे में दर्जी समाज द्वारा टेक चंद जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कुंडला रोड से दर्जी समाज के राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुना मंदिर पर समाप्त हुई। पिलाऊ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष रंजिता पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में मौजूद महिलाओं को आगामी विधानसभा चुनावों में कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल, रामेश्वर पाटीदार, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुलोचना भगवान, वहीं मंडल प्रभारी एडवोकेट शहजादी गोरी, नगर पालिका उपाध्यक्ष राजू माली, जीवन खटीक, जानी भाई, अनुसुईया भाई, सुशीला, मुस्कान, ममता सहित कई महिला कार्यकर्ता वहां मौजूद रही। ग्राम तोड़ने और सुनारी में कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष कुमार सोजतिया के जनसंपर्क के दौरान ग्रामवासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं सोजतिया ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र में एक उद्योग लाना मेरा लक्ष्य है, ताकि हर बेरोजगार युवा को वहां रोजगार मिल सके, किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम मिल सके, गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा आदि योजनाओं के बारे में बताया। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज गंगधार चौमेला द्वारा समाज के पितृ पुरुष महाराज श्री अजमेर जी महाराज की जयंती हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई, जिसमें सत्यनारायण मंदिर चौमेला से महाराज अजमेर जी की शोभा यात्रा निकाली, जिसमें स्वर्णकार समाज के मातृशक्ति और युवा मंडल व समाज जन ने भाग लिया। शोभा यात्रा में बैंड बाजों के साथ नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली। वहीं अग्रवाल धर्मशाला पहुंची, रास्ते में शोभा यात्रा का समाज सेवी अशोक भंडारी, अखिल भारतीय स्वर्ण ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी, वहीं समाज सेवी संजय जैन मित्र मंडल, शिव मंडल एवं पोरवाल युवा संगठन अमित काला टीम द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया एवं समाज अध्यक्ष का माल्यार्पण कर सम्मान किया। मंसूर विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार यशपाल सिंह सिसोदिया के संगठनात्मक दृष्टि से चुनाव कार्य के संचालन हेतु भाजपा मंसूर उत्तर मंडल एवं दक्षिण मंडल के संयुक्त चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आज रविवार को DKY के सामने सुराना की बिल्डिंग में सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल आटोलिया, पिछड़ा मोर्चा प्रदेश मंत्री धीरज पाटीदार और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल ने किया। मंदसौर शहर के हर मुख्य मार्गों और चौराहे पर आवारा पशु भरमार है। दीपावली पर्व नजदीक होने पर बाजारों में रौनक बनी हुई है। इससे आवारा पशुओं द्वारा मुख्य मार्गों पर बैठे होने के कारण आवागमन में बाधक उत्पन्न हो रही है। इससे नगरपालिका के जिम्मेदारों को कोई ध्यान नहीं है। इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जय माता दी ग्रुप द्वारा नवरात्रि के पश्चात नालच्छा माता मंदिर प्रांगण में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। कन्या पूजन परंपरा अनुसार से की जा रही है और कन्या पूजन में ग्रुप द्वारा 4000 से अधिक कन्याओं का पूजन किया गया और ग्रुप के सदस्यों द्वारा माता का स्वरूप मानते हुए छोटी बच्चियों को कुमकुम की बिंदी लगाकर पूजन किया। उसके पश्चात सभी बच्चों को उपहार देकर उन्हें भोजन प्रसादी ग्रहण कराई। वही कन्या पूजन के लिए ग्रुप द्वारा पंडाल बनाकर तख्त पर कन्याओं को बैठने की व्यवस्था की और तख्त पर उन्हें भोजन कराया। इस अवसर पर बच्चियों के साथ आए माता पिता को भी प्रसादी कराई। मंदसौर में सकल वाल्मीकि समाज जिला मंदसौर के वाल्मीकि समाज ने विश्व शांति और बंधुत्व से लेकर वाल्मीकि जयंती मनाई, जिसमें वाल्मीकि समाज की माताओं और बहनों ने कलश यात्रा ढोल ढमकों और गाजे बाजे के साथ मंदसौर नगर के प्रमुख मार्गों से विशाल चल समारोह के रूप में निकली। वहीं समाज जन ढोल ढमाके के साथ डीजे बैंड बाजे के साथ थापर थिरकते हुए नजर आए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करो। गांव वालों, मैसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, तू तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट टूट गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मैसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। टाइप पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? नहीं नहीं। मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।